तो हेलो गाइस, मैं बहुत देर के बाद अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और आजकल मैंने सोचा कि अपने चैनल का नाम चेंज कर लेती हूँ, कुछ फूड वगैरह के ऊपर करती हूँ। तो आज मैंने वही कर लिया है, मैं अभी चैनल का नाम भी चेंज करने वाली हूँ। तो मैंने ये मसाला कप नूडल्स, मज़ेदार मसाला कप नूडल्स, ये इंडिया में ही हूँ मैं और मुझे विशाल मेगा मार्ट में 35 रुपीज़ कॉस्ट में मिल गया था। तो आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। मुझे याद आया कि आज मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इसको कर लिया है, सॉरी गाइस। लेकिन मैं अभी इसको ऐसे रख दिया है फॉर 3 मिनट्स, क्योंकि इधर पे डायरेक्शन दी हुई थी कुकिंग की कि इसको 3 मिनट्स के लिए अकेला छोड़ दो, नहीं तो ये परेशान हो जाएगा। इसलिए मैंने 3 मिनट्स के लिए इसको रख दिया है और अभी हम वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट कर लिया क्योंकि मुझे याद आया कि यूट्यूब पर वीडियो भी तो बना सकते हैं इसके ऊपर, इसीलिए मैंने अभी अभी बना लिया है। तो टाइम पासिंग, ये फोन पे तो यहाँ पे एड में तो मतलब यहाँ पे अच्छी फोटो दिखाई है, देखते हैं क्या बनता है इसके अंदर। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही गाइस, आप इसको ट्राई रेटिंग दीजिएगा जब मैं इसको ट्राई करके देखूंगी। आई थिंक 3 मिनट्स होने वाले हैं ना, पता नहीं। तो गाइज ये मुझे विशाल मेगा मार्ट में मिला था जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये अब मैं 3rd फ्लोर पे गई थी तभी मुझे मिला, मैं ऐसे ही कुछ दिवाली से पहले देखने गए थे ना सामान, तो वहाँ पे ऐसे दिवाली के लिए शॉपिंग करने गए थे तो ये मिल गया। ये ले आई मम्मी से पूछ कर, तो 35 रुपीज़ कॉस्ट का मिल गया था। नॉर्मली ऐसे ढूंढने पर मिल जाएगा, लोग भी ज़्यादातर ले रहे थे, ज़्यादातर यहीं पर पड़ा हुआ था, साइट पे मिल जाएगा आपको। ये मुझे लग रहा है हो गया है शायद से, सूखी सूखी हो रहा है। मैं टेस्ट करके बताऊंगी इसके अंदर कौन से है गाइस। और पीस मैंने पानी भी डाल दिया है, यहाँ पे कुकिंग डायरेक्शंस भी दी हुई थी यहाँ पे, इसलिए मैं यहीं से देख के बना रही हूँ। कॉर्न वगैरह सब कुछ दिया हुआ था, ये शायद से गलत बन गया है, लेकिन अब शायद से टाइम हो गया है, सो लेट मी टेस्ट। ये आ गया है, बन गया है हमारा ये सूप, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। गाइस अगर आप पूछे 10 में से रेटिंग दो तो मैं इसको दूंगी 7 7, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉर्न्स वगैरह भी हैं, उनका ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है और ये थोड़ा सा ज़्यादा मसालेदार भी नहीं है। मतलब पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है गाइस बड़ा बड़ा मसाला, MASALA मसाला, इतना मर्ज करके लिखा है ना स्पेल करके, फिर भी इतना ज़्यादा मसाला नहीं है। और ये इसका ये जो ये है ना, ये बहुत सॉफ्ट है और ये मतलब देखिएगा इस कितना पतला सा है, ये सोगी सोगी सा, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। आप इसको ट्राई कर लो या नहीं करो इसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। और अगर आप 100 में से रेटिंग पूछो तो मैं इसको 40 तो दे ही दूंगी रेटिंग। सो बाय गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो, तो बाय। अगले वीडियो में कोई और चीज़ स्पेल करूँगी। बाय गाइस।